एंटी साइड में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक फेबुलस टी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिस टी का इस्तेमाल मैं बहुत ज्यादा करती हूँ और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और उस टी को इस्तेमाल करने के बाद मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिले हैं। ये बहुत ही अमेजिंग नाइट फैट कटर टी है और पीने में बहुत टेस्टी लगती है, और इसकी फ्रेग्रेंस तो बहुत ही अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस है, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। इस टी का इस्तेमाल करने से यानी इस टी को पीने से मुझे जो हेल्थ बेनिफिट्स हुए हैं वो सबसे ज्यादा हुआ है वेट लूज का। मैंने इस टी को पीकर अपना बहुत ज्यादा वजन कम किया है। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये टी की रेसिपी बहुत ज्यादा पसंद आएगी, और जब आप इस टी को बनाकर पियेंगे तो और भी ज्यादा पसंद आएगी। ये जो टी है वेट लूज के लिए और इंचीज लूज के लिए बहुत ही अच्छी है, और डे वन से ही हमारी बॉडी पे हमें मतलब फर्क दिखना स्टार्ट हो जाता है। फर्क दिखना मतलब हमारा जो इंचीज है वो हमें दिखना स्टार्ट हो जाता है कि हाँ हमारी बॉडी के अभी जो है इंचीज लूज हो रहे हैं, और जब इंचीज लूज होंगे तो हमारा वजन भी कम होगा। वेट लूज के लिए तो ये टी सुपर्ब है, एकदम सुपर्ब। आप आज से ही इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें। यह जो टी है आपका स्ट्रेस बहुत ज्यादा कम कर देगी, क्योंकि स्ट्रेस जब हम मोए होता है तो कितनी हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। स्ट्रेस के साथ साथ आज ये होना स्टार्ट हो गया, आज ये हो गया, हमारा वेट गेन हो गया, नींद नहीं आ रही है, तो ये सारी चीजें जो है स्ट्रेस से ही जुड़ी हुई हैं। और इस टी का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा स्ट्रेस जो है कम होगा ही होगा, और हमको नींद भी अच्छी आएगी और हमारा वेट लूज भी हो जाएगा, क्योंकि वेट गेन किस चीज से होता है, स्ट्रेस से ही हमारा वेट गेन होता है। क्योंकि स्ट्रेस होने की वजह से आपकी बॉडी जो प्रोड्यूस करती है वो है कोर्टिसोल, और जब कोर्टिसोल प्रोड्यूस करती है, जब हमारी बॉडी में कोर्टिसोल प्रोड्यूस होता है तो हमारी बॉडी जो है वेट गेन करना स्टार्ट कर देती है। तो ये जो मोस्टली वेट गेन होता है तो ये स्ट्रेस से ही होता है। सबसे पहले हमें अपने स्ट्रेस पे वर्क करना है कि हमारा स्ट्रेस कैसे कम होगा। ये जो टी है स्ट्रेस को भी कम करेगी और अननेसेसरी जो हंगर है उसको भी कम करेगी, जो अननेसेसरी क्रेविंग्स होती हैं हमको वो भी ये कम करेगी। ये सारी चीजें कंट्रोल में हो जाएंगी तो ये टी ऑब्वियसली हमारी वेट लूज में हेल्प करेगी। तो आइए सबसे पहले बनाते हैं टी, किस प्रकार बनाई जाती है जान लेते हैं। केसर इलायची फैट कटर टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, और इस पैन में मैं एक कप पानी डाल दूंगी। अभी इसमें डालूंगी मैं सामग्री जिससे केसर इलायची टी बनकर तैयार होगी, और ये सामग्री डालनी है हमें कूटकर ताकि इसका अच्छे से उसमें फ्लेवर आ जाए। पहले ले लेंगे हम कूटने के लिए, और इसमें डालेंगे एक इलायची, ये जो हरी इलायची होती है ये डालेंगे इसमें एक, और एक इसमें डालेंगे हम 1 से 1.5 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, और इन दोनों को हम कूट लेंगे। दालचीनी और हरी इलायची को मैंने यहाँ पे कूट लिया है। देखिए इस प्रकार कूटना है, ज़्यादा भी नहीं, मतलब इसको पूरा एकदम से क्रश करना है, और ये थोड़ा सा मोटा मोटा रहना चाहिए। मैंने दालचीनी और हरी इलायची कूट कर तैयार की है, ये भी हम पानी में डाल देंगे, और अभी इसमें हम डालेंगे केसर के धागे। ये देखिए मैंने 4 यहाँ पे केसर के धागे लिए हैं, ये 1 कप टी बना रहे हैं हम। अगर ज़्यादा टी बनानी है तो हमें सभी सामग्री ज़्यादा लेनी पड़ेगी। केसर के धागे भी हम पानी में डाल देंगे, और अभी गैस ऑन कर देंगे। गैस ऑन करने के बाद इसको किसी प्लेट या लिड से पैन को ढक देंगे, तो मैं यहाँ पे एक प्लेट से ढक रही हूँ इसको, और गैस हम धीमी कर देंगे, यानी इसको हमें धीमी आंच पर पकाकर तैयार करना है। तो आंच धीमी कर देते हैं और इसको 3 मिनट तक हम पकने देते हैं ताकि अच्छे से पककर तैयार हो जाए। टी को पकते हुए 3 मिनट हो चुके हैं, इसको मैं अभी एक बार चेक कर लेती हूँ।
देखिए अच्छे से ये बनकर तैयार है, यानी पककर तैयार है। गैस हम बंद कर देंगे अभी। फिर से हम इसको प्लेट से ढक देंगे और 2 मिनट के लिए रखे रहने देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, अभी इस टी को मैं छान लूँगी। देखिए कितने अच्छा कलर इसमें आया है, इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, तो इसको छान लेती हूँ। अच्छी टेस्टी और खुशबू वाली टी बनकर तैयार हुई है। ये देखिए इसको बनाने में कितना कम समय लगता है। इस टी को पीने के बाद हमें नींद बहुत अच्छी आती है, इसी के लिए ये नाइट फैट कटर टी है। आप इसको रात को ही पिएं, जब से सोने जाते हैं सोने से पहले इस टी को पीना है, और इससे स्ट्रेस भी रिलीफ होता है। इस टी को पीने से हमें नींद तो बहुत अच्छी आएगी और जो है स्ट्रेस भी नहीं होगा, और सोने के बाद इस टी से हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो बूस्ट होता रहेगा। हम रात को सोते रहेंगे, सोने के बाद भी हमारी बॉडी फैट कम करने की प्रक्रिया करती रहेगी। 100% नेचुरल टी है ये। देखिए सामग्री सभी घर पे होती है और इसको बनाना कितना आसान है। आप इसको बनाएं और ज़रूर बनाएं, क्योंकि आप इसको बनाकर पिएंगे तो आप अपना मनचाहा वजन कम कर सकते हैं और इंचेस लूज कर सकते हैं, और जो हेल्थ से जुड़ी हुई परेशानियां होती हैं उनसे भी आप छुटकारा पा सकते हैं। देखा आपने किस प्रकार केसर इलायची टी बनाई जाती है, कितना आसान था इसको बनाना, और ये 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। जैसे ये 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है, पीने में भी ये उतनी ही सूदिंग है और इतना कंफर्ट कर देती है। ये बहुत ही अच्छी टी है और हमारे जो है वजन कम करने में हमारी कितनी हेल्प करती है, और इससे हम बहुत ज्यादा इंचेस लूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने किया है तो आप भी कर लेंगे। इस टी की फ्रेग्रेंस जो है इतनी सूदिंग है और ये इतना ज्यादा कंफर्ट कर देती है। ये टी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। आपको जब भी स्ट्रेस हो तो आप इस टी को पिए, जब नींद नहीं आ रही हो तो आप इस टी को पिए, तो आपको जो है नींद भी आएगी और आपका स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। इस टी को पीने के बाद ना आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा रिलैक्स मिलेगा, और ये टी आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगी और जो भी टॉक्सिन्स है उनको बाहर निकालेगी। इस टी के ना बहुत ही ज्यादा फायदे हैं, क्योंकि जो इसमें मैंने केसर और इलायची का जो इस्तेमाल किया है, दोनों ही जो है बहुत ज्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट हैं, विटामिन सी और आयरन रिच हैं। ये टी पीरियड्स के टाइम के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इसको पीने के बाद बहुत ज्यादा रिलैक्स मिलता है, हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। और जो डिप्रेशन और एंजाइटी के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए भी ये टी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अभी जान लेते हैं इस टी को हमें कब और कैसे पीना है। इस टी को हम मॉर्निंग में पी सकते हैं खाली पेट, जो हमें बेड टाइम टी चाहिए होती है उसमें भी हम इसको पी सकते हैं, या फिर हम इसको मिड मॉर्निंग में भी पी सकते हैं, या फिर इस टी को हम इवनिंग में भी पी सकते हैं, और हम इस टी को नाइट में भी पी सकते हैं। तो इस टी को हम, जिसे मैंने आपको बताया, मॉर्निंग, मिड मॉर्निंग, इवनिंग या फिर नाइट, तो इनमें से किसी भी समय आप इस टी को पी सकते हैं, और इस टी को गरम गरम पीजिए और सिप ले लेके पीजिए। इस चाय को जो है इंजॉय कीजिए आप, और इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना वो आपको एकदम भा जाएगी अच्छे से। इस टी की जो फ्रेग्रेंस है आपको एकदम रिलैक्स और आपको काम कर देगी। यानी जिस दिन से आप इस टी को पीना स्टार्ट करेंगे उस दिन से आपको ध्यान रखना है, एक तो डेली मॉर्निंग में अपना वजन चेक करना है कि डे बाय डे आपका वजन कितना कम हो रहा है, और इंचेस तो आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि जब आप कपड़े पहनेंगे अपने तो ऑब्वियसली लूज आने लगेंगे, तो आपको पता चल ही जाएगा। तो ये सारी चीजें करेंगे ना, थोड़ा वॉक करेंगे, बाहर का फूड जो है अवॉइड करेंगे, ऑयली फूड अवॉइड करेंगे, और जो भी मतलब तला हुआ जो फूड होता है उसको भी अवॉइड करेंगे, तो आपके जो है रिजल्ट बहुत ज्यादा जल्दी मिलेंगे। मतलब आप अपना वजन बहुत जल्दी जल्दी कम करने लगेंगे और इंचेस भी बहुत जल्दी जल्दी आपका कम होने लगेगा, तो फिर आप
जरूर ये चीज कीजिए और कमेंट के जरिए मुझे बताइए कि आपने कितना वजन कम किया है। इस टी को बनाकर पीजिए, आपको आज से ही इस टी के फायदे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी बेनिफिट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे और आपका वजन ये कम करने लगेगी। डे बाय डे आपको पता चलेगा कि हमारी बॉडी का वेट कितना कम हो रहा है और कितना इंचेस लूज हो रहा है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, आप इस टी का इस्तेमाल कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि किस किस ने इस टी का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है और कौन कौन से उनको बेनिफिट हुए हैं और कितना आपने वजन कम किया है और कितना इंची लूज किया है। अगर आप कमेंट्स करके मुझे बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आपके लिए मैं न्यू रेसिपीज और न्यू इन्फॉर्मेशन लेकर आती रहूंगी। आज मैं आपसे यही विदा लेती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। धन्यवाद।